नमस्कार दोस्तों, बोर्ड्सकाई में आपका स्वागत है। फिटकरी दिखने में तो बेहद सामान्य होती है, लेकिन इसमें गुणों की भरमार है। पानी साफ करना हो या जमा दिखना हो या फिर चेहरे के मुहासों से निजात पानी हो, फिटकरी बेहद उपयोगी साबित होती है। यही वजह है कि भारत के हर घर में फिटकरी हमेशा मौजूद होती है। इसके साथ ही कई सारी शारीरिक समस्याओं का रामबाण उपाय भी है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि फिटकरी चेहरे पर लगाने से क्या होता है और इससे चेहरे को क्या फायदे मिलते हैं। फिटकरी में एक बेहद अच्छा गुण है कि वो त्वचा में कसाव लाती है, साथ ही रूखी बेजान और लटकी त्वचा को ठीक करती है। फिटकरी के इसी गुण के कारण कई सारी ब्यूटी क्रीम में इसका उपयोग होता है। चेहरे पर फिटकरी लगाने से छुर्रियां खत्म होती हैं और साथ ही बढ़ती उम्र का प्रभाव भी कम होता है। इसके लिए आप सीधा फिटकरी को चेहरे पर घुमा सकते हैं। ऐसा करने से चेहरा एकदम स्वस्थ होने लगेगा। इसके अलावा रोज सुबह पानी में फिटकरी घोलकर फेस वॉश करने से दाग धब्बों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा आप फिटकरी को फेस पैक की तरह भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच फिटकरी पाउडर में एक चम्मच जैतून का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। अभी इसे चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद ताजे पानी से धो लें। वहीं चेहरे पर पिंपल्स और एक्ने की समस्या काफी आम होती है। फिटकरी पाउडर का पेस्ट बनाकर डायरेक्ट चेहरे पर लगाने से पिंपल और एक्ने से निजात पाई जा सकती है। बता दें कि फिटकरी में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण कील मुहासों को जड़ से खत्म करने में मददगार होते हैं। इसके अलावा एक चम्मच गुलाब जल में फिटकरी का पेस्ट बनाकर लगाने से चेहरे के अनचाहे बालों को भी खत्म किया जा सकता है। जहां फिटकरी अनचाहे फेशियल हेयर को रिमूव करने का काम करती है, वहीं गुलाब जल से चेहरा निखर और फ्रेश नजर आने लगता है। इसके अलावा कई बार चेहरे की स्किन फट जाती है या दाने होते हैं तो उसमें खून बहने लगता है। इस स्थिति में फिटकरी स्किन को सिकोड़ कर खून बहना रोक देती है। इसके अलावा घाव में इन्फेक्शन होने की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाती है। इसलिए सदियों से भारत में आयुर्वेद के जानकार घावों के उपचार के लिए फिटकरी का उपयोग करते आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।